Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum dear students, I am Yavar Abbas. I hope you all will be fine. Today we start 10th class math, unit 2, exercise 2.3 continue करेंगे. हम last time ने question 2, question number 3 किया था. अब equation given होती है, different rules होते हैं, उसके according हमने equation solve करनी होती है. तो अगर आप देखें, अब आज जो हमने exercise हमारी वही है, exercise 2.3, but question number आज हम करेंगे 4, question number 4 का first part आप देखें, question number 4 का first part which is the find the roots of the equation differ by unity. Roots of equation differ by unity. It means that कि आपने roots find करने हैं जो उसके different क्या है उनका दोनों का unity. ठीक है, differ by unity, differ by 2. तो अगर अब equation जो हमारे पास given है, question x square minus x plus p square. X square minus x plus p square is equal to 0. And let कर लेते हैं अब according to rule हमारे पास alpha and alpha minus 1 are the roots. Alpha and alpha minus 1 are the roots. तो sum of the roots आपको पता है क्या होगा, alpha plus alpha minus 1 is equal to, यहाँ से अगर आप देखें minus b over a, तो यहाँ पे 2 alpha minus 1 is equal to minus into minus 1 over 1. तो 2 alpha minus 1 is equal to 1. तो अगर यहाँ पे आप देखें 2 alpha is equal to 1 plus 1, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 1. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज सी ओवर ए. अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू पी स्केयर ओवर 1, इट्स मीन्स डेट पी स्केयर ही आएगा. तो अगर आप देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू पी स्केयर, तो 0 इज इक्वल टू पी स्केयर, इट्स मीन्स एट पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0. पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0. यही हमने फाइंड आउट करनी थी पी की वैल्यू. तो पी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रही है, 0, क्योंकि गिवन इक्वेशन में हमें ये चीज़ गिवन थी. तो पी इक्वल आ गया 0. बहुत आसान क्वेश्चन, उसने कहा था कि फाइंड द पी रूट्स डिफर बाय यूनिटी. एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस 1 होगा. अब क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट में अगर आप देखें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, चेंजिंग ही हुई है कि उसने कह दिया आपको, बाकी सारा काम यही है, उसने कह रही है रूट्स डिफर बाय 2, रूट्स डिफर बाय 2, इट्स मीन्स डैट एक अल्फा है दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस 1, एक अल्फा है दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस 1. तो अगर आप देखें यहाँ पर, अब इक्वेशन देख लेते हैं सेकेंड पार्ट की, एक्स स्केयर 3x प्लस पी माइनस 2, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2. अब लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि डिफर बाय 2 था, बाकी काम वही है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर ओपन कर ले वैसे ही, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, बिकॉज एक्स केयर ऑल्सो मान है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए. तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2. वैल्यू पुट करने लगा हूँ, माइनस 1 बाय 2 इसकी वैल्यू है, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2 माइनस 1 बाय 2. यहाँ पे अगर आप देखें एलसीएम ले रहा हूँ, तो माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू पी माइनस 2, माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2. तो ये देखें, ये आपके पास बन गया 5 बाय 4 इज इक्वल टू पी माइनस 2. तो p इज इक्वल टू 5 बाय 4 प्लस 2, विच इज़ p इज इक्वल टू एलसीएम लिया 4, 5 प्लस 4 टू द 8, p इज इक्वल टू 13 ओवर 4. यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई, 13 ओवर 4. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, फाइंड p ऑफ द क्वेश्चन. अब इसी को आगे हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लेंथी है उसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. अब आ गया, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है कि फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर.
यानी कि सम और जो फंक्शन है यानी कि सम और प्रोडक्ट है वो दोनों एक गिवन नंबर के इक्वल हैं। आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 का हम पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, इक्वेशन पहले देख लेते हैं, 2m + 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7m - 5 प्लस 7m - 5 एक्स प्लस 3m - 10 प्लस 3m - 10 इक्वल टू जीरो, विच इज़ द इक्वेशन। लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स के, लेट कर लिए अल्फा बीटा रूट्स है। तो अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7m - 5 ओवर 2m + 3। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक ही दफ़ा माइनस 7m + 5 2m + 3। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो होगी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब बाई गिवन वी नाउ डॉट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, सेम नंबर। इट्स मीन्स डैट अल्फा प्लस बीटा अगर हम रखते हैं इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे अल्फा बीटा भी किसके इक्वल रखते हैं, लैम्डा के, इसे कह लें 1, इसे कह लें 2। तो अगर आप देखें फ्रॉम 1 and 2 अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। वैल्यू जस्ट हम लोगों ने पुट आउट करनी है। अगर आप देखें अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 7m + 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू 3m - 10 ओवर 2m + 3। सेम आपको पता है सेम एलसीएम वो कट आउट हो जाता है, दो मेथड है, ऐसे भी कट आउट कर सकते हैं या ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके फिर भी कट आउट हो सकता है, मैं ऐसे ही कट कर देता हूँ। तो -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। तो यहाँ पे अगर आप देखें m की वैल्यू फाइंड आउट करने लगा हूँ, 5 + 10 इज इक्वल टू 7m + 3m, तो 15 इज इक्वल टू 10m, तो 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m, कटिंग हुई 3 ओवर 2 इज इक्वल टू m। ये आपके पास इसकी m की वैल्यू आ गई 3 ओवर 10 ओवर m, 3 ओवर 2 m की वैल्यू। इसी मेथड से क्वेश्चन 2 है उसकी इक्वेशन चेंज करते हैं, बाकी सारा ऑलमोस्ट यही काम होगा हमारे पास। इक्वेशन चेंज करने लगा हूँ मैं, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन देखते हैं, बाकी मैं एज इट इज़ इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ कि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक है। अब बाकी हम देखते हैं, इस पर से ये रेस कर देता हूँ, ओके हो गया। अब देखिए इसी का आप देखें सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 6 का सेकंड पार्ट, 4x² - 3 + m, 4x² - 3 + 5m एक्स एंड -9m - 17 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, -9m - 17 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए बाकी वही काम है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और माइनस ये इसका अपना है और माइनस उसका एक अपना है, -3 + 5m ओवर क्या हो जाएगा 4 - 3 + 5m ओवर हो गया 4, सी ओवर ए विच इज माइनस 9m - - +, हो जाएगा 17 ओवर 4। बाकी सारा काम वही है, बाई गिवन सारे एक है। तो यहाँ पे आपके पास यही चीज़ आएगी, अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फा बीटा, पुटिंग द वैल्यू इज़ 3 + 5m ओवर 4 एंड -9m + 17 ओवर 4, 4 से कट हो जाएगा, 3 + 5m इज़ इक्वल टू -9m + 17, तो 5m + 9m इज इक्वल टू 17 - 3, 14m इज इक्वल टू 14, सो m इज इक्वल टू 14 ओवर 14, सो m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 था 2.3 का, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी दोनों क्वेश्चन की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, कोई समझ नहीं आई, तो आप फीडबैक करके कमेंट्स करके लाजमी पूछिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जाता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।